हम सीखेंगे आज कंद्रासन। कंद्रासन में हम दोनों पैरों को सर के पीछे ले जाते हैं, कैंची नुमा स्थिति में रखने का प्रयत्न करते हैं, हाथों के सहारे पंजों को पकड़ के ले जाते हैं और स्लिप डिस्क, साइटिका या पीठ की गंभीर बीमारी जिसको हो वैसे ना करें। स्नायु तंत्र के नियंत्रण में बहुत लाभ पहुंचाता है ये कंद्रासन। वक्, यकृत, क्लोम, तिल्ली, आंत आदि उदरस्थ अंगों को शक्ति प्रदान करता है, प्रजनन संस्थान की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, निम्न उदर प्रदेश के अंगों को क्रियाशील बनाता है, प्रजनन ग्रंथियों में संतुलन लाकर अभ्यासी को शक्ति प्रदान करता है। कंद्रासन इसका नाम है, ये एक शरीर के संतुलन को भी बनाता है। धीरे धीरे दोनों एड़ी पंजे एक साथ मिला लेंगे। और दोनों पैरों को पहले मोड़ेंगे और पंजों को दोनों हाथ से पकड़ लेंगे। अब धीरे धीरे इसको पंजों को पकड़ेंगे और सर के पीछे ले जाने का प्रयत्न करेंगे पंजों को। इस फाइनल अवस्था में देखिए सर के पीछे दोनों हाथ आ गए और रुक जाएंगे, थोड़ी देर रुके रहेंगे, चेहरा सीधे शांत छोड़ेंगे, पैर अभी पकड़े हुए हैं, कंद्रासन कहते हैं। धीरे धीरे पैरों को रिलीज करेंगे और धीरे धीरे वापस शवासन की मुद्रा में आ जाएंगे और आराम करेंगे। कंधे के ऊपर पैरों को ले जाने के आसन को कंद्रासन कहते हैं। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है यह कंद्रासन।